वहीं टीम की ओर से अगर बात करें तो आज के अपडेट के अनुसार टीम का एक ही लक्ष्य अब बस कोर्ट में महाधिवक्ता को भेजी सरकार। इनमें लिखा है बेहतर प्रयास जिससे जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके, आरोप प्रत्यारोप बंद किया जाए, सब एक हो, किसी को बेवजह टारगेट न किया जाए, नौकरी सबको चाहिए, जिसकी मंशा अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करने की और लखनऊ में आकर प्रयास करे कोई रोक नहीं रहा, हम सब एक थे, नियुक्ति पत्र सबको मिलकर ही रहेगा। तो यहाँ पर टीम की ओर से जो निवेदन है जिसमें अपने ज्ञापन को सौंपने श्रीमती सुभा सिंह के पास पहुंचे शिक्षा बेसिक निदेशक हैं ये। लखनऊ में लीगल टीम के सभी सदस्य जमे हुए हैं, रंजीत यादव जो कि वहां पे दोपहर के भोजन करते हुए। रंजीत यादव जी ने लिखा कि मैंने कोई चंदा चोरी नहीं की, यदि आप लोग इस बार से प्रिंग करते हो मेरे आने वाली, यानी कि इन्होंने लिखा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी में भी हैं, उन्होंने पूरा लिखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं गलत है पूरी तरह से, ये रंजीत यादव जी की वजह से लिखा गया है। उन्होंने लिखा मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, मैंने एक भी पैसा चंदा की चोरी नहीं की है। रंजीत यादव जी ने लिखा मैं भी आप लोगों की तरह एक आम अभ्यर्थी था, लगा कि मुझे अपनी नौकरी के लिए आगे आना चाहिए, मैं आया अपनी नौकरी के लिए दौड़ भाग शुरू की, अपनी नियुक्ति के लिए मैं पुलिस से झापड़ भी खाया था, यदि जो लोग मेरे साथ संघर्ष किए उनको ये बातें पता है, जब आप लोग अपने घर पर हल्दी का दूध और काढ़ा बनाकर पी रहे थे कोरोना काल में, उस समय मैं SCRT के चक्कर काट रहा था, इत्तेफाक की बात जिस अधिकारी से मेरे अच्छे टर्म से प्रदीप सर उनको कोरोना हुआ और वो हम सबके बीच से नहीं रहे, उनसे मिलने के बाद मुझे भी यानी कि रंजीत यादव को भी कोरोना हुआ, घर वाले समझाते रहे दौड़ो मत, लेकिन एक जुनून था नौकरी का जो आज भी है उससे ज़्यादा, क्योंकि आज चयन लिस्ट में नाम है, परिणाम क्या रहा उस प्रयास से बेसिक के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, वेटिंग लिस्ट आने का आज तक मैंने उसका क्रेडिट नहीं लिया, न आगे कभी क्रेडिट की इच्छा है, एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष के पद को चुना, वेटिंग लिस्ट आ गई, कभी किसी से एक सिंगल रुपये की डिमांड की हो तो बता दो आप लोग से, यदि बेईमानी और मक्कारी की जिज्ञासा होती तो बहुत पैसा कमा लेता, लेकिन उस पैसे से माँ बाप के अरमान कभी पूरे नहीं करते होते। रंजीत यादव जी ने लिखा आज चाहे आयोग टीम हो सेंट लीगल टीम हो कोई आकर बोल दे कि ये रंजीत यादव पैसे मांग रहा था, हाँ आयोग टीम ने मुझे 35,000 रुपये दिए थे कि आपके साथ लोग रहते हैं तो कुछ पैसे ले लो जिससे आप लखनऊ में रहकर अच्छे से पैरवी कर सको, बाकी जो पैसे बचेंगे उनको वापस कर देना, मैं कई बार खुले मंच पर बोल चुका हूँ पूरे पैसे लौटाने को तैयार हूँ, जिसका मन करे जो अधिवक्ता खड़ा हो पूरे पैसे वापस कर दूंगा, सेंट लीगल टीम से भी आप लोग पूछ लो, कभी मैंने आज तक खर्च के लिए सिंगल रुपया नहीं मांगा। रंजीत यादव जी ने लिखा पेट्रोल के मैं वो पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा जरूर लड़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इससे मेरा सम्मान और माँ बाप का स्वाभिमान जुड़ा है, मैं दौड़ता हूँ अपनी नौकरी के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, कल जब इतना बड़ा कांड हुआ कोर्ट में आप लोग यहाँ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर गाली गलौज कर रहे थे, वहीं आज मैं फिर से अपने आपके संगत पथ पर चल रहा हूँ, तो इन्होंने उस दिन का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि सभी लोगों का मौलिक अधिकार है अपने अपने को लेकर के नौकरी के लिए प्रयास करते रहें, सभी का प्रयास एक साथ हो तो सब जल्द से जल्द अपने अपने स्कूल में होंगे। दिन जो माथुर सर का घटनाक्रम सुनवाई से एक दिन पहले ही उनके बैग चैम्बर में अवगत करा दिया गया था, तो यहाँ पे उनके चैम्बर में पहुँचे हुए थे। फिलहाल अब टीम की तैयारी 17 अक्टूबर से पहले एक RJC लगा कर नियुक्ति के लिए है। टीम का यह भी कहना है राज्य सरकार की दलील को प्राथमिकता और NOC मामले में समान वर्ग का कट ऑफ ऑन रिकॉर्ड 69.07 मान लेने के बाद आज की जो बहस के अनुसार याचिला पूर्णतः खत्म 6800 ही सत्य है, ये बात पर आज पूरा डिटेल से टीम ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि उस दिन के बाद से टीम लाइव भी नहीं आ पा रही थी, तो जिसे आज बताया कि इसमें अब याची लाभ की पूरी संभावना समाप्त हो गई है, क्योंकि उस दिन की ओर के बाद से अब टीम को पूरा इस पर जो अपना पक्ष था वकीलों से समझने के बाद आज इस पर अपना पक्ष जारी किया है टीम ने। आज की जो टीम के अपडेट है अधिकारी कह रहे हैं हम किसी को बाहर नहीं करेंगे, कोर्ट से एक लाइन भी मिल जाए उसी को बेस बनाकर आपकी नियुक्ति कर देंगे, जबकि कोर्ट कह रही है गलती सरकार की है वो सुधारे, गलत लोगों को बाहर सरकार करे हम ऑर्डर क्यों दें, वकील सरकार का गया विरोध के लिए करने के लिए ने कहा जिनको नौकरी मिलनी है वो अभी आपस में ही लड़ रहे हैं, आंदोलन कितने आएंगे वर्तमान परिस्थितियों में देखिए, 6800 की नियुक्ति में अधिकारियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जब तक उनको ऊपर से दबाव नहीं पड़ेगा और दबाव थोड़े से लोगों से नहीं बन पाएगा, तो टीम की ओर से अब एकमात्र संघर्ष का रास्ता तलाश किया जा रहा है। फिलहाल 17 अक्टूबर से पहले टीम चाहती है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल करके RJC लगाकर नियुक्ति ले ली जाए। नमस्कार।